को छोड़ो। प्यारे लोगों, संत मत के सत्संग से बारंबार कहा जाता है कि ईश्वर के लिए प्रत्येक को ऐसा ज्ञान रखना चाहिए कि वह आत्मगम है, इंद्रिय गम नहीं। तत्व रूप में परमात्मा वह है जो चेतन आत्मा से पकड़ा जा सके, ग्रहण किया जा सके, इसको निश्चय करके जानना चाहिए। पंच विषयों में से पूछा जाए कि रूप विषय क्या है, तो कह दिया जाए कि जो आँख से ग्रहण हो। उसी तरह परमात्मा क्या है जो चेतन आत्मा से ग्रहण हो। परमात्म प्राप्ति के लिए ध्यान साधन में इसकी जरूरत नहीं है कि पहले मन से जान ले तब ध्यान करें। मन से वह ग्रहण नहीं हो सकता, उसको मन से कैसे जान सकते हैं। चलो और वहां चलो जहां जाकर शरीर इंद्रियां छूट जाएं और तुम अकेले रह जाओ। इसलिए यह कहा गया है कि लंबा मार्ग है। कबीर साहब ने कहा कि लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। परमात्मा यहां वहां सर्वत्र है, किंतु अपनी कमजोरी के कारण हम पहचान नहीं सकते। कमजोरी क्या है? इंद्रियों के संग में रहना। जो लोग ऐसे हैं जिनके हाथ है, जिनके साथ रहने से ज्ञान की कमजोरी होती है, ज्ञान गिरा रहता है, तो ज्ञान की कमजोरी होती है, ज्ञान गिरा रहता है, तो उनके संग से वह भ्रष्ट हो जाता है। इसी तरह चेतन आत्मा को इंद्रियों का संग हो जाने के कारण इसकी अपनी शक्ति हीन हो गई है। ऐसा विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य आत्मा को जान सकता है। मनुष्य शरीर में रहकर जो परमात्मा को नहीं जानता है वह कष्ट में पड़ा रहता है। जानना दो प्रकार से होता है, श्रवण मनन द्वारा और साधना के द्वारा प्रत्यक्ष करके। श्रवण मनन के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पहले अवगत कर लेता है, तब साधना द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से जानने लग जाता है। परमात्मा वह है जो इंद्रिय गम नहीं है। इसके लिए जो साधना करता है वह उस रास्ते पर चलता है, जो उसको पार कर गया है। जिसने केवल पद पा लिया है उससे परमात्मा हेराया हुआ नहीं रहेगा। इसके लिए परमात्मवत शुद्ध होना चाहिए, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। इंद्रियों का विषयों से छूट कर रहना नहीं हो सकता है, तो मितभोगी स्वल्प भोगी होते हुए उससे उदास रहना चाहिए। मितभोगी बनो, विषय के स्वाद से उदास रहो। मनुष्य शरीर को उस काम में लगाना है जिससे मनुष्य शरीर सफल होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि यही तन करफल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यदि ठीक ठीक निर्विषय की ओर अपने को लगाना है तो विषय की इच्छा मत करो, परमात्मा की ओर चलो। पाप से निवृत्त होने के लिए पंच पापों को मत करो, झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार मत करो। हिंसा के सिलसिले में मत्स्य मांस अंडा मत खाओ। शरीर से मन से हिंसा छोड़ दो। लोग बहुत प्रश्न किया करते हैं कि अनिवार्य हिंसा होती ही रहती है, तो अनिवार्य हिंसा के विषय में समझो, वार्य हिंसा को छोड़ो। खेती करने में हिंसा होती है, राष्ट्र पर कोई चढ़ाई करे
तो इससे हिंसा होती है, अनिवार्य हिंसा है। घर में चोर डाकू आए तो उससे लड़ना होगा, अपने को बचाना होगा, यह अनिवार्य हिंसा है। सांस लेने में हिंसा होती, औषधि खाने में से कीटाणु मरते इसमें हिंसा होती, लेकिन यह अनिवार्य हिंसा है। युद्ध करके राजा लोग यज्ञ करते थे क्योंकि युद्ध में भी हिंसा होती थी। अनिवार्य हिंसा से बच नहीं सकते, किंतु वार हिंसा से बचो। कितने लोग रोग से पीड़ित होते हैं तो डॉक्टर कहें, डॉक्टर उन्हें मछली मांस और उसका सुरवा खाने के लिए कहते हैं, किंतु कितने नहीं खाते फिर भी संसार में स्वस्थ रहते हैं। महात्मा गांधी जी की पत्नी बीमार हुई, डॉक्टर ने मांस का सुरवा अंडा लेने को कहा, उन्होंने लिया नहीं। संयम और पथ जैसा महात्मा गांधी ने बताया किया, ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई। संयम और पथ से ऐसा हो जाता है। जोर देकर ऐसा कहना कि मत्स्य मांस के बिना तुम नहीं बचोगे झूठी बात है, गलत बात है। यक्ष्मा रोग में बहुत अंडे खिलाए जाते हैं टीवी में। मेरा एक सत्संगी बीमार हुआ, पटना में उसकी इलाज हुई, उसने मत्स्य मांस नहीं खाया, आज भी उसका शरीर है और वह स्वस्थ है। जिस भोजन से अपनी वृत्ति खराब होती है, मन का सात्विक रहना असंभव हो जाता है, वह मत खाओ। अपने धर्म की हानि मत करो। मनुष्य शरीर में पशु शरीर का मांस डालकर पशु वृत्ति मत लाओ। मनुष्य स्मृति में 8 घातक बतलाए गए हैं, अनुमंता, विशिष्टता, निहंता, क्रय विक्रय, संसकर्ता, चोपहरता, च खादस्चेति घातकाः। 1, पशु वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, 2, शस्त्र से मांस काटने वाला, 3, मारने वाला, 4, बेचने वाला, 5, मोल लेने वाला, 6, मांस को पकाने वाला, 7, परोसने के लिए लाने वाला, और 8, खाने वाला। ये 8 घातक हैं, हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। इसलिए संतों ने पहले से ही इसको मना किया है। कबीर साहब मुसलमान घर में पाले पोसे गए थे, नूर अली और उसकी पत्नी नीमा को संतान नहीं थी, उन्होंने उन लोगों को बच्चे की ख्वाहिश थी, एकदम तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा मिल गया। नूर अली ने उसको पाला, जहां मांस मछली का खाना ही प्रधान था, किंतु कबीर साहब मांस मछली नहीं खाते थे, और लोगों के लिए उन्होंने कहा कि मांस मछलियां खात है सुरा पान से हेत, असोनर जर से जाएंगे जो मूरी की खेत, दिलभर मछली खाई के कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले मरे तो हूं नरक निदान, यह कुकर को खान है मानुष देह क्यों खाए, और मुख में आमिख मेलता नरक पड़े सो जाए। उन्होंने इतना मना किया है, तो स्वामी रामानंद और स्वामी रामानुज क्यों नहीं मना करते? महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर की पुकार है अहिंसा परमो धर्म। पंच पापों से बचते हुए संतों की साधना के अनुकूल भजन करो, और इतना भजन करो, इतना भजन करो कि प्रभु, उस प्रभु को प्राप्त कर लो, कल्याण होगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। यह प्रवचन मुंगेर जिला के जमालपुर में राय बहादुर बाबू दुर्गादास तुलसी के निवास स्थान पर दिनांक 27/2/1955 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वो न यहाँ छोड़ता है और न वहाँ। नारद जी वैकुंठ गए, वहाँ उनको मोह और बढ़ गया। गोलोक से श्री दामा जी कंस के पास राक्षस बनकर आए, वहाँ विशेष सुख है और माया का पसार है। माया में जो होना चाहिए सो होता है, इसलिए स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, भगवान श्री राम ने कहा। संतों ने ज्ञान योग और भक्ति तीनों को मिलाकर चलने को कहा। घी मीठा और अन्न तीनों मिलाकर सुंदर मिठाई होती है। इसी तरह ज्ञान योग और भक्ति तीनों को मिलाकर संतों ने उपदेश दिया है। उपदेश को धारण करें और अपना कल्याण करें। बोलिए श्री सतगुरु। यह प्रवचन भागलपुर जिला के श्री संतमत सत्संग मंदिर 1/4 में दिनांक 2/3/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।